Hello everyone and a very warm welcome to Shiksha. So guys, we are starting something new, not exactly new क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपको यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो वी आर ऑल्सो डूइंग दिस, ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम एओईओ के एग्जाम्स भी जितने हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, हम एपीएफसी के एग्जाम्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर होगा एज कंपेयर्ड टू अदर वीडियोस या जो एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, एक तो हमारी अप्रोच यहाँ पर जो रहेगी, हम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच को पकड़ेंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं जो जनरल स्टडीज़ के आपके सब्जेक्ट्स हैं, आईआर के सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स हैं, मेरा फोकस उनके ऊपर रहेगा। इंग्लिश, क्वांट, ये मैं सपोज करके चल रहा हूं कि आप मैनेज कर लेते हो, ठीक है। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स को हम देखेंगे इंग्लिश और क्वांट को छोड़ के। अप्रोच ये रहेगी कि हम सब्जेक्ट वाइज पकड़ेंगे और सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट को हमें दो पार्ट्स में करना पड़े। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री के अंदर बेटा 15 क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, 120 में से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। तो आप परसेंटेज लगा लो, वेटेज आपको कैलकुलेट करनी आती है ना, परसेंटेज कैलकुलेट करनी आती है ना। मेरा तो मैथ्स थोड़ा सा स्लो है तो मुझे तो जैसे 6th क्लास के बच्चे करते हैं वैसे थोड़ा करना पड़ता है। 4 and it will be 5 to it will be around 12.5%, है ना, ऐसे ही कुछ आएगा ना। 12.5% पेपर आपका जो था वो हिस्ट्री में से था, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन रहेगा ना वो ऐसे रहेगा कि हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दिखाया, हाँ भाई ये आंसर था, चल भाग यहाँ से, वो वाली चीज़ नहीं करनी है। वो वाला तो फिर आप पेपर देख लो, यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाकर के फ्री में डाउनलोड हो जाता है, कोई टेंशन वाली उसके अंदर बात नहीं है। डिटेल के अंदर देखेंगे और साथ के साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे सोर्स, ठीक है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर किताबें कौन सी पढ़ें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके बहुत हद तक समझ में आ जाता है हमें सोर्स कि यार जो एग्जामिनर है वो पेपर बना कहाँ से रहा है। तो सोर्स की थोड़ी सी आइडिया हम जो है वो लेकर के चलेंगे, ठीक है। सो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट, 15 क्वेश्चन है इस लेक्चर के अंदर, हम 7 क्वेश्चन कवर करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 8 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो दो पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। आ जाओ जी, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाओ, वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपियरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। एनसीईआरटी में से डायरेक्टली है बेटा ये क्वेश्चन, हिस्ट्री की जो आपकी एनसीईआरटीज है ना, मॉडर्न इंडिया वाली जो आपकी एनसीईआरटी है +2 के अंदर, उसमें से ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। थीम्स वाली में से गांधी जी के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, महात्मा गांधी करके एक पूरा चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन आया, वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस। अच्छा, मैं बार बार अक्सर ये भी बोलता रहता हूं कि यूपीएससी के पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप यूपीएससी के वेरियस पेपर्स को स्कैन करोगे ना, उसमें वेरियस आ जाते हैं, उसमें आपका सीडीएस का आ जाता है, सीएपीएफ का आ गया, ठीक है, एनडीए का जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा बहुत सिविल सर्विसेज के सेक्शंस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपस में पेपर में शफल हो रहे हैं, पेपर में पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल किसी साल में सीडीएस में क्वेश्चन पूछ लिया, 3 साल बाद जाकर के ईपीएफओ में डाल दिया, ऐसा बहुत बार यूपीएससी के क्वेश्चंस में देखा जाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। और एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ी हुई है, एनसीईआरटी बेटा आप लोगों के लिए बाइबल है, जो भी बच्चे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं आपके लिए बाइबल है। चाहे वो जनरल साइंस की मैं बात करूँ, चाहे वो हिस्ट्री की मैं बात करूँ, चाहे वो पॉलिटी की मैं बात करूँ, चाहे वो इकोनॉमी की मैं बात करूँ, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ। कंप्यूटर साइंस के भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, कंप्यूटर साइंस के भी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आए हुए, ठीक है। सो वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। ऑप्शन ए बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बी खेड़ा, सी चंपारण, डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सिंपल सा इसका आंसर होना था एंड द आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं, एनसीईआरटी के अंदर से ही मैंने इसको पिकअप किया है, कहीं और से मैंने खुद से लिख करके नहीं लेकर के आया हूं, ये सेम वर्ड्स एनसीईआरटी के हैं। तो महात्मा गांधी जी जब हिंदुस्तान में आए तो उनके आदर्श बने गोखले साहब। गोखले साहब ने महात्मा गांधी को एडवाइस दी कि देखो इससे पहले तुम इंडिया के अंदर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़ो, तुम हिंदुस्तान को जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तो उन्होंने एडवाइस दी महात्मा गांधी को कि तुम भारत घूमो, ठीक है, तुम भारत दर्शन करो। और अगला एक पूरा साल महात्मा गांधी ने पूरे ब्रिटिश इंडिया को घूमने के अंदर लगाया, लोगों को समझा, जमीन को समझा, हिंदुस्तान को समझा। एंड अल्टीमेटली जो उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस हुई वो हुई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1916 में। ये ओपनिंग थी, BHU उस टाइम पर ओपन हो रही थी, तो एक तरह से इनॉग्रेशन था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। अब इसके अंदर एक तो आपने क्या रखना है, देखो अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर बता रहा हूं, हर लाइन के अंदर क्वेश्चन कैसे छुपा होता है। ऑन हुज एडवाइस महात्मा गांधी स्पेंट अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी MG रनाडे, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद ये साल याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। एक तो गोखले वाला पॉइंट याद रखेंगे, 1916 वाला पॉइंट याद रखेंगे, BHU में पहला सेशन था, ठीक है। अब यहां पर बहुत से लोग प्रेजेंट थे इसके अंदर, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो ओपनिंग सेशन था इसके अंदर बहुत से इन्वाइटीज थे, प्रिंसेस थे, फिलेंथ्रोपिस्ट्स थे, जो बेसिकली जिनके डोनेशन से BHU बना था। कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर्स जैसे कि एनी बेसेंट भी थे। अब उस समय पे तो गांधी जी थोड़ी थे, उस समय पर गांधी जी महात्मा गांधी या फादर ऑफ द नेशन थोड़ी बने थे, है ना। उस समय तो गांधी जी ऑलमोस्ट अननोन थे, क्योंकि अभी तो वो साउथ अफ्रीका से आए थे, हिंदुस्तान में तो उन्होंने ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर चलाया नहीं था। तो अभी तक तो लोग उनको उनके साउथ अफ्रीका के कामों से ही जानते थे और उसी के बेस पे उनको बुलाया गया था, ठीक है। तो कोई बहुत बड़े डिग्नेटरीज में महात्मा गांधी नहीं आते थे। तो गांधी जी को बुलाया गया बोलने के लिए कि हाँ भाई आओ, थोड़ी स्पीच दो कि साउथ अफ्रीका में तुम काम करके आए हो, जरा आओ। तो गांधी जी सबसे पहले तो जो इंडिया के एलाइट थे ना, जो इंडियन एलाइट्स थे, जो अमीर थे, उनके ऊपर चढ़ गए। कहते यार तुम पैसा कमाए जा रहे हो, लेकिन तुम जो पुअर है इस देश के, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। उन्होंने BHU के शो को बोला कि यार ये बहुत शानदार शो है, लेकिन इस शो में एक चिंता मुझे सताई जा रही है। वो क्या है कि जो अमीर है, जो अमीर नोबेल्स हैं, वो तो यहां पर प्रेजेंट हैं, जो कुछ 50-100 अमीर हैं वो तो यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी जो गरीब हैं वो यहां पर एब्सेंट है, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला कि देखो इंडिया में तब तक तरक्की नहीं हो सकती, इंडिया का उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक ये जो अमीर लोग हैं ना, ये अपनी शानो शौकत, अपने हीरे जवाहरात को छोड़ करके, ठीक है, वो अपने देश के लोगों के लिए काम करें, ठीक है। तो इन्होंने, गांधी जी ने यहां पर क्या बोला कि तुम सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हो, लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट नहीं हो सकती, ठीक है, जब तक तुम पेजेंट्स और लेबर को उनका अधिकार नहीं देते हो। गांधी जी ने बोला कि इंडिया का उद्धार सिर्फ और सिर्फ उसके किसानों से हो सकता है, ना लॉयर, ना डॉक्टर, ना रिच लैंडलॉर्ड, कोई भी इंडिया का उद्धार नहीं कर सकता। अब आप कहोगे कि सर ये इतनी कहानी आपने क्यों सुनाई? ये सारी की सारी कहानी NCERT के अंदर लिखी है, और UPSC एक ऐसा शैतान है, वो इस कहानी में से क्वेश्चन निकाल करके बना करके ला देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ही दे दूं आपको कि UPSC इसमें कैसे क्वेश्चन फॉर्म करेगा। वो कहेगा इन विच अमंग द फॉलोइंग महात्मा गांधी wrote या महात्मा गांधी said that there is a contrast that the richly decked noblemen are present but millions of poor Indians are absent। कौन से सेशन के अंदर या कौन सी मीटिंग के अंदर महात्मा गांधी ने हाईलाइट किया, वो पूछ सकता है। UPSC के लिए मैं एक बात बोलता हूं, ये मेरे टीचर ने मेरे को बात बोली थी, कहते नेवर जज UPSC। जब आप UPSC के किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, बहुत लोग आपको ज्ञान देने आएंगे कि UPSC ऐसा है, UPSC वैसा है, UPSC ये, UPSC वो, ठीक है। तो वो ज्ञान अच्छी बात है, लो, ज्ञान कभी भी झुकलाना नहीं चाहिए, पर कभी भी UPSC को जज मत करो कि ये UPSC नहीं। UPSC ने लिख दिया सिलेबस के अंदर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगर लिख दिया, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर UPSC ने सिलेबस के अंदर लिख दिया, तो बेटा वो सिलेबस है तुम्हारा। फिर तुम ज्यादा उसके अंदर ये मत लगाओ कि वो ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, तो वो तो जजमेंट पास करनी होगी ना, इतने बड़े थोड़ी हुए हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा। अब दिमाग चलाओगे अपना कि गांधी एज ए महात्मा, आप कहोगे कि सर गांधी जी पे तो इतनी सारी किताबें हैं, तो ये किताब, अब इतनी किताबें हम कैसे याद रखें बेटा, ये भी एनसीईआरटी में से है, सेम चैप्टर महात्मा गांधी का, सेम चैप्टर के अंदर से है। एग्जैक्टली किताब का नाम मेंशन नहीं था। अब यूपीएससी इस चीज में भी पक्का है, एग्जैक्टली किताब का नाम मेंशन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन पर्सन का नाम मेंशनड है। जैसे यूपीएससी में वो एनसीईआरटी में कई जगहों पर लिखा होता है ना, हिस्टोरियन दिस 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 हैव नोटिस्ड या हिस्टोरियन दिस 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 मेड अ रिव्यू, वैसे ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तो यहाँ पर आंसर आपका होना है ऑप्शन बी, शाहिद अमीन। महात्मा गांधी वाला चैप्टर खोल के देख लो एनसीईआरटी के अंदर, आपको शाहिद अमीन का नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि ये तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने उठा लिया, उन्होंने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी नहीं होती और वो ज्ञान देने आ जाते हैं बस। ठीक है जी, ये एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशनड है। कोई इसको झुकला दे कि नहीं मेंशनड है तो पढ़ाना छोड़ देंगे। इन अ फैसिनेटिंग स्टडी द हिस्टोरियन शाहिद अमीन हैज ट्रेस्ड द इमेज ऑफ महात्मा गांधी अमंग द पेजेंट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एज कन्वेड बाय रिपोर्ट्स एंड रूमर्स इन द लोकल प्रेस। इसका पूरे का पूरा ब्रीफ गिवन है किताब में, वो मैंने यहां पर नहीं डाला है। ठीक है, लेकिन इसका पूरे का पूरा ब्रीफ गिवन है कि क्या ऑब्जर्वेशन की है, क्या स्टडी थी वो, दैट हैज बीन मेड बाय हिस्टोरियन शाहिद अमीन। तो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि यार जो एक यूपीएससी का कैंडिडेट है ना, वो एक क्यूरियोसिटी वाला आदमी है या औरत है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है। उसने देखा कि यार एक स्टडी की बात हो रही है एनसीईआरटी के अंदर, हिस्टोरियन का नाम आ गया शाहिद अमीन, तो क्या तुमने गूगल पे जाकर के देखा कि हिस्टोरियन शाहिद अमीन ने कौन सी फैसिनेटिंग स्टडी, उसका नाम क्या है, उसके काम का नाम क्या है? ये हमारा लैक है, ये हमारे अंदर कमी है सबसे बड़ी। जल्दी में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं। जल्दी में क्यों रहते हैं कि भाई फलाने ने हिस्ट्री की 4 किताबें पढ़ ली अलग अलग, एक्स वाई जेड ए और बी की तैयारी में है। मैं तो अभी तक एक्स ही नहीं पढ़ी, मैं मेरे को भी वाई जेड ए बी भी पढ़नी है। तो बस वो जल्दबाजी के चक्कर में जो एक्स पढ़नी थी वो भी आधी अधूरी पढ़ी। कमी ये है हमें। 50 किताबें पढ़ने से पेपर क्लियर होता होता तो बेटा किसको नहीं अच्छा लगता आईएएस बनना। 50 किताबें पढ़ने वाले बहुत लोग बैठे हैं दुनिया में, तुम क्या अलग मेहनती थोड़ी पैदा हुए हो। Who among the following was the president of Indian National Congress at the time of independence of India? जब आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हो, कांग्रेस के सारे प्रेसिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और किस कांग्रेस प्रेसिडेंट के कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक जनरल नॉलेज वाला है। एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बिट्स एंड पीसेस के अंदर मिलेगा, पर मिल जाएगा ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का किस पर्टिकुलर पीरियड पे कौन प्रेसिडेंट था। ठीक है, बट ये आप इस टाइप के फैक्चुअल नॉलेज जो है आप जीके की जो बुक्स आती हैं, जैसे ल्यूसेंट टाइप जो बुक्स आती हैं, ठीक है, और भी मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स आती हैं, मैगजीन्स के अंदर आते रहते हैं, वहां से ही अच्छे से कवर हो जाता है टॉपिक। सो द राइट आंसर ओवर हियर गाइज इज जेबी कृपालानी। ठीक है, ऑप्शन डी। और ये एक बेसिकली ना करंट अफेयर थोड़ा डिराइव्ड था जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 2020-21 के अराउंड ना नरेंद्र मोदी जी ने इनको श्रद्धांजलि वगैरह दी थी, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था उस टाइम पर। सो 1988 हैदराबाद में, हैदराबाद जो सिंध वाला हैदराबाद है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। नेम, कंप्लीट नेम इज जीवतराम भगवत दास कृपालिनी। इनको आचार्य कृपालानी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन और एजुकेशनिस्ट थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट थे, सीडीएम का भी पार्ट रहे और क्विट इंडिया मूवमेंट का भी पार्ट रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पेपर में पूछ सकता था। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जेबी कृपलानी। स्टेटमेंट नंबर 1, ही वॉज पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट नॉट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंडिपेंडेंस के टाइम पर, एंड इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी इन्होंने सर्व किया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी पार्ट थे। ठीक है, ये सब चीजें याद रखेंगे। पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें, किसान मजदूर प्रजा पार्टी के वन ऑफ द फाउंडर थे। इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और उसके बाद इन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी को ज्वाइन किया था। लोकसभा में इलेक्टेड रहे 1952, 57, 63, 67। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इलेक्ट होकर के आए। एंड ये देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टाइप के पॉइंट्स यूपीएससी में बहुत बार आ जाते हैं। ये पहले व्यक्ति थे, पहला जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हिंदुस्तान की लोकसभा में आया ना, वो जेबी कृपलानी लेकर के आए थे। इंडिया चाइना वॉर के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आया था, पहली बार था 1963 के अंदर। उससे पहले कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया था। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई टाइम्स। ठीक है, 2004 में इनके मरने के बाद ये रिलीज हुई थी माई टाइम्स। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ द लाइन क्वेश्चन है, ये इजीली आपको ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लगा लो कि नहीं आंसर कर पाएंगे बहुत से बच्चे, और जायज है क्योंकि ये आपको हर किताब के अंदर नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको हर किताब के अंदर नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जनरली स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बिहार स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन जरूर कभी ना कभी आया होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, यदुनंदन शर्मा। ठीक है, यदुनंदन शर्मा के अंडर स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट जो है डेवलप हुई थी बिहार की गया डिस्ट्रिक्ट में। तो यदुनंदन शर्मा बेसिकली पेजेंट लीडर थे एंड नेशनल लिबरेशन फिगर थे बिहार के, और इन्होंने जो ये मूवमेंट शुरू की थी जमींदार्स के अगेंस्ट एंड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रियोरा के अंदर, इसको रियोरा सत्याग्रह से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट पिरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रोड्यूस की थी। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको शायद एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा पिरपुर रिपोर्ट के बारे में। तो इसके लिए जैसे जो पुरानी एनसीईआरटीज हैं या इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है बिपिन चंद्र की, उन जैसी किताबों में से आपको ये इजीली मिल जाते हैं, या हिस्ट्री के लिए बच्चे जैसे स्पेक्ट्रम बुक फॉलो करते हैं। सो पिरपुर रिपोर्ट बेटा मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, हर हर पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने प्रोड्यूस की थी। पिरपुर रिपोर्ट प्रोड्यूस की थी दोस्तों मुस्लिम लीग ने। ये ऑप्शन यहाँ पर सी नहीं है, ऑप्शन ए होगा बेटा, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया था। सो देखो हुआ क्या, 1937 में इलेक्शन हुए और कांग्रेस ने ज्यादातर सरकार बनाई, तो मुस्लिम लीग वाले कांग्रेस से बड़ा नाराज थे कि यार ये पावर तो शेयर कर नहीं रहे हैं, कांग्रेस वाले अपनी सीटें लेकर के बैठ गए हैं। तो मुस्लिम लीग ने एक पिरपुर कमेटी बनाई 1938 के अंदर। इस पिरपुर कमेटी को क्या बोला गया कि एक तुम रिपोर्ट बनाओ कि ये जो कांग्रेस की जहां जहां पे मंत्रालय बने हैं, जहां जहां पर भी कांग्रेस को पावर मिली है, वहां पर कांग्रेस क्या क्या एट्रोसिटीज कर रही है, क्या क्या जुल्म लोगों पर हो रहे हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज के ऊपर। ठीक है, और ये रिपोर्ट फाइनली रिलीज हुई जब पिरपुर रिपोर्ट के नाम से फेमस हुई। इस रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस के ऊपर चार्जेस लगाए गए कि ये लोगों के धर्म के साथ, रिलीजियस राइट्स के साथ, ठीक है, उर्दू को सप्रेस कर रही है हिंदी के फेवर में, और मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन को सप्रेस कर रही है। इस तरह के जो चार्जेस थे वो कांग्रेस के ऊपर इस पिरपुर कमेटी ने लगाए। Who among the following was the founder of स्वतंत्र पार्टी। अगेन एनसीईआरटी से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर, ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी दीनदयाल उपाध्याय, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड डी इज आचार्य नरेंद्र देव। सो द राइट आंसर गाइज ओवर हियर इज ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। सो स्वतंत्र पार्टी 1959 के अंदर फॉर्म हुई थी आफ्टर द नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस। ओके, नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस में क्या हुआ था, इसमें लैंड सीलिंग्स की बातें हुई थी। ठीक है, लैंड सीलिंग लेकर के आएंगे ताकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके बेटर। ठीक है, फूड ग्रेन ट्रेड बाय द स्टेट एंड एडॉप्शन ऑफ कॉपरेटिव फार्मिंग। कॉपरेटिव फार्मिंग और फूड ग्रेन ट्रेड जो है वो सारा स्टेट देखेगी। तो उस नागपुर रेजोल्यूशन के बाद सी राजगोपालाचारी कहते हैं कि मेरे को कांग्रेस के साथ अब नहीं रहना, मैं अपनी एक अलग पार्टी बनाऊंगा, स्वतंत्र पार्टी। तो ये याद रखेंगे, स्वतंत्र पार्टी 1959 में बनी थी और कांग्रेस के नागपुर रेजोल्यूशन के बाद। कई बार माइनर सी चीजें वो पूछ लेता है। ठीक है, इसके अंदर के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी जैसे और भी लोग थे, एंड बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर कांग्रेस के साथ इनके व्यू मैच नहीं करते थे। दैट इज व्हाई दिस न्यू पार्टी वाज फॉर्म्ड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट डिड एन.ए. अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द मुगल स्टेट। अब देखो ये क्वेश्चन अब एओईओ के पिछले साल की नोटिफिकेशन में लिखा था कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल होगा सिलेबस के अंदर, पर यह तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, ये तो मिडीवल इंडिया है। तो बच्चे कहते हैं तो धोखा हो गया। ठीक है, अब धोखा तो धोखा है ना, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते आप, किससे लड़ोगे जाकर के, और लड़ने का कोई बहुत ज्यादा फायदा होता भी नहीं है यूपीएससी में ज्यादातर, क्योंकि वो स्ट्रांग बहुत है ना, आप कमजोर हो, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जो थीम्स है ना आपकी हिस्ट्री के एनसीईआरटी, उसमें मिडीवल इंडिया स्पेशली ज्यादा नहीं तो फ्रॉम मुगल्स, मुगल्स वाला टॉपिक तो आप कवर कर ही लो, ठीक है। बाबर से लेकर के ना आप कवर करनी शुरू कर दो अपनी हिस्ट्री, वो एक सेफ साइड हो जाएगी, क्योंकि अकबर के ऊपर और मुगल स्टेट के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो पहले भी पूछे हैं इन्होंने, 2017 में जब पेपर हुआ था तब भी पूछा था, 2020 में हुआ तब भी पूछा, आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐनी अकबरी ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से इन्होंने क्वेश्चन उठाया डायरेक्टली। ये बंदे कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि यार ये तो क्वेश्चन ऐसे ही कहीं से उठा लिया, लाइन वर्ड सब कुछ एनसीईआरटी से उठाया। So what did Ain-i-Akbari seek to promote within the frontiers of Mughal state? The right answer in this case, guys, is option A. ठीक है? No, sorry, option C. Option C. I'm sorry. Option C. Social harmony with support of a strong ruling class. ये same words NCERT के अंदर mentioned है. Let me show you the details. तो Ain-i-Akbari की बात करें, basically ये एक historical या administrative project का part था जो अकबर ने शुरू किया था और इसकी जिम्मेदारी मिली थी अबुल फजल को। 1598 के अंदर ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ, ये याद रखना बेटा। और ये अकबर का 42वां रेनल ईयर था, यानी कि 42 साल हो गए थे रूल करते हुए। 5 रिविजन्स हुए थे ऐन अकबरी की, 5 बार उसको रिवाइज किया गया, तो बहुत ज्यादा ध्यान देखा गया था, नहीं तो जहां पना गर्दन उड़वा देते थे, ठीक है। एंड बेसिकली ऐन अकबरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोजेक्ट का पार्ट था अकबरनामा। अकबरनामा में टोटल 3 बुक्स थी, ठीक है। जो पहली 2 बुक्स थी वो एक तरह से हिस्टोरिकल नैरेटिव प्रोवाइड करती थी मुगल्स का और उनके एंसेस्टर्स का, और ऐन अकबरी जो थी वो ये 3री बुक थी। इसके अंदर बेसिकली अकबर की जो रूल है ये उसके बारे में है, ठीक है। जो इंपीरियल रेगुलेशंस हैं, जो बादशाह रेगुलेशंस इशू कर रहे हैं या एम्पायर जो भी नोटिफिकेशंस, जैसे सरकार आज की डेट में नोटिफिकेशंस जारी करती है ना, वो था। अब देखो ये रही वो स्टेटमेंट एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंट, कि भाई इस ऐन अकबरी का सेंट्रल पर्पस क्या था। प्रेजेंट अ विजन ऑफ अकबर्स एम्पायर, कि अकबर के एम्पायर का विजन क्या है। विजन था सोशल हार्मनी रखना, अकबर हमेशा बात करता था ना कि यार सोशल हार्मनी होनी चाहिए, हिंदू है मुस्लिम है सोशल हार्मनी होनी चाहिए। वॉज प्रोवाइडेड बाय अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास, और इस सोशल हार्मनी को प्रमोट कैसे किया जा सकता है या कैसे इसको एश्योर किया जा सकता है अगर एक स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास है तो, ठीक है। ये एज इट इज स्टेटमेंट प्रेजेंट है एनसीईआरटी के अंदर। कोई कह दे अगर कि एनसीईआरटी के बाहर से कहीं से सवाल आया, ठीक है, कोई आपको बोल दे कि कोई मोटी सी किताब बोल दे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की कि इसकी किताब पढ़ो तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है जी। एन के अंदर डिटेल्ड अकाउंट्स हैं कि कैसे कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन होता था, अकबर के कोर्ट का, आर्मी की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती थी, रेवेन्यू के सोर्सेस कैसे थे, प्रोविंसेस थी जो अकबर के एम्पायर में, उसका फिजिकल लेआउट कैसा था, लिटरेरी कल्चरल रिलीजियस ट्रेडिशंस कैसे थे लोगों के, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत से डिपार्टमेंट्स बने हुए थे अकबर की सरकार के अंदर, अकबर के राज्य के अंदर, उनकी डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। जो वेरियस प्रोविंसेस थे जिनको सूबा बोला जाता था उसकी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। अच्छा, जो जो ब्रैकेट के अंदर मैं कभी भी कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यूज करा रहा हूँ, या जैसे अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जब अकबर का मैंने यहाँ पर डाला ना कि प्रोविंसेस को मैंने ब्रैकेट में सूबा डाला है, तो अगर मैंने ऐसे डाला हुआ है तो इनको भी याद करना है, वो पेपर के अंदर पूछता है दैट व्हाट वर द सूबास, ओके, ऑलराइट। अब ये ऐन जो है, ऐन के अंदर भी 5 बुक्स थी, अकबरनामा के अंदर 3 और फिर फर्दर ऐन के अंदर 5 बुक्स थी जिनको दफ्तार्स बोला जाता था। पहली 3 किताबों के अंदर तो जी एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया गया, ठीक है। पहली बुक थी जिसको बोला जाता था मंजिल आबादी। मंजिल आबादी के अंदर क्या था, जो जिसको हम कहते हैं शाही घराना, इंपीरियल हाउस होल्ड से रिलेटेड मैटर्स थे और उसकी मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड। सेकंड बुक थी सिपाहा आबादी, इसके अंदर मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था, ठीक है, कि कैसे सर्वेंट्स की मैनेजमेंट की जाती थी, कुछ इंपीरियल ऑफिशियल्स के नोटिसेस, उनके बायोग्राफिकल स्केचेस जिनको आप मनसबदार बोलते हो उनके बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ लर्नड मेन, पोएट, आर्टिस्ट जो कोर्ट के अंदर काम करते थे उनकी डिटेल्स। थर्ड बुक होती थी मुल्क आबादी। मुल्क आबादी के अंदर जो एम्पायर का फिस्कल साइड, एक तरह से फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें थी वो मुल्क आबादी के अंदर थी। इसके अंदर क्या रेवेन्यू रेट्स थे एम्पायर के अंदर, ठीक है, जैसे एक था अकाउंट ऑफ द 12 प्रोविंसेस जिसके अंदर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या ज्योग्राफी थी, टोपोग्राफी कैसी थी, इकोनॉमिक प्रोफाइल कैसी थी सूबास की, ठीक है। उसके बाद फिस्कल डिविजन्स को भी फर्दर डिफाइन किया गया है, जैसे सूबा हो गया, सूबा के नीचे सरकार, परगनाज, महल्स, इनका कैसे काम चल रहा था, टोटल मेजर्ड एरिया कितना था, रेवेन्यू, एसेस्ड रेवेन्यू कितना होता था जिसको जमा बोला जाता था, ओके। उसके बाद जी डिटेल सूबा लेवल के ऊपर आ जाती थी। उसके बाद एन के अंदर आपको सरकार और जो सूबा के नीचे के रैंक है वहां पर भी मिलेगा। अब देखो जो भी डिटेल होती थी ना वो एक फॉर्म ऑफ टेबल के अंदर होती थी, 8 कॉलम होते थे टेबल में, ठीक है। उसमें 8 कॉलम्स में क्या हो जाता था, परगनत या महल, किला, अर्जीज या जमीन पैमौदा कि भाई मेजर्ड एरिया कितना है उस एरिया का। उसके बाद रेवेन्यू एसेस्ड इन कैश, सूर गल जो चैरिटी के अंदर बेसिकली रेवेन्यू ग्रांट्स हुए हैं, जमींदार्स, कॉलम 7 और 8 में कास्ट होती थी जमींदार की, उनके पास कितने हॉर्समैन है जिसको सवार कहा जाता था, कितने फुट सोल्जर्स हैं जिसको प्यादा कहा जाता था, कितने एलिफेंट्स हैं जिसको फिल कहा जाता था, ठीक है। तो काफी डिटेल्ड व्यू है, एग्रेरियन सोसाइटी और नॉर्दर्न इंडिया को स्पेसिफिकली एक कवर कर रहा है। ये सब एनसीईआरटी की डिटेल है बेटा, आपको कहीं लगे कि मैं कहीं और से किताब में से उठा लाया। जो चौथी और पांचवी बुक थी या दफ्तार थे उसके अंदर रिलीजियस, लिटरेरी और कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में था लोगों के, ठीक है। अकबर की जो ऑस्पिशियस सेइंग है, जब लोगों के बीच में अकबर आते थे और ज्ञान भरी बातें करते थे, तो उसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया फोर्थ और फिफ्थ बुक्स में। कुछ लिमिटेशंस हैं एनी अकबरी के अंदर जो अगेन एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइटेड है। सबसे पहले तो माइनर टोटलिंग एरर्स हैं, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा लंबा इफेक्ट इसके ऊपर नहीं डाल रहे। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर एन में जो हिस्टोरियंस ने हाईलाइट की है कि जो डाटा कलेक्ट किया गया वो सारे प्रोविंसेस से यूनिफॉर्मली कलेक्ट नहीं किया गया। जैसे कुछ सूबाओं से तो डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली, कास्ट कॉम्पोजिशन, जमींदार, ठीक है, और जो भी कितना एसेस हुआ कितना नहीं, सब। लेकिन कुछ ऐसे सूबा थे जहाँ से इंफॉर्मेशन डिटेल्ड नहीं है, जैसे बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। अब आप देखो कि डाटा की अगर हम बात करें तो प्राइसेस एंड वेजेस जो जनता को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अब प्राइसेस एंड वेजेस मेंशन तो हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आगरा के इन और अराउंड के हैं, ठीक है। बाकी के पूरे जो किंगडम था, बाकी पूरे किंगडम के प्राइसेस एंड वेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं एन.ए. अकबरी की जो हिस्टोरियंस ने हाईलाइट की है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन गाइज एज टोल्ड टू यू एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। पढ़ने में देखो इसी तरीके से मजा आता है जब हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। देखो पढ़ाई को कभी भी जल्दबाजी या काम की तरह मत लो, क्योंकि अगर पढ़ाई को जल्दबाजी या काम की तरह लोगे ना तो जो चीज पढ़ रहे हो ना वो भी सिर्फ वेस्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो हिस्ट्री का पार्ट 2 भी हम आज डाल देंगे एंड फिर आपके हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। कोशिश करूंगा कि आज कंप्यूटर साइंस के भी डाल दूं, ठीक है। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप करें या मेल करें। प्लीज रात को सीधा कॉल मत करें। पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि रात को एक बार फोन आया 10 बजे, एक बार फोन आया 11 बजे, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं लगता दोस्तों, 11 बजे फोन नहीं उठा पाऊंगा मैं। आप फोन करें दिन में, आप व्हाट्सएप करें दिन में, ठीक है। व्हाट्सएप करें, हम टाइम सेट कर लेंगे, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। एंड पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जस्ट यू हैव टू पे 99 रुपीज जस्ट फॉर सीरियसनेस, नथिंग एल्स। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड बाय।